जी अस्सलाम वालेकुम। ये एक्सरसाइज 4.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, मेथड हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सपोज करते हैं सबसे पहले हम कि इसको पहले इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। सपोज y इज इक्वल टू e रेज टू पावर mx, इसका डेरिवेटिव लिया तो आ गया y प्राइम इज इक्वल टू m e रेज टू पावर mx। सेकेंड डेरिवेटिव लिया तो आ गया m स्क्वायर रेज टू पावर mx। अभी इन तीनों की वैल्यूज हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो देखें 4y डबल प्राइम की वैल्यू है एम स्क्वायर ई रेज टू पावर एम एक्स, प्लस वाई प्राइम की वैल्यू है एम ई रेज टू पावर एम एक्स। तो y तो है ही नहीं है, तो इज इक्वल टू जीरो सिंपल आ जाएगा। तो देखें ई रेज टू पावर एम एक्स कॉमन आया, पीछे बच गया हमारे पास 4m स्क्वायर प्लस m इज इक्वल टू जीरो। इसको उधर जाकर डिवाइड कर दिया तो ये कट गया, तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस m इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से देख m कॉमन लिया और पीछे बच के हमारे पास 4m प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर देखें सेपरेट कर लेते हैं, m इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा एक, तो m1 इसको बोल देंगे, और दूसरा क्या हमारे पास 4m प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो इसको सॉल्व किया तो 4m इज इक्वल टू माइनस 1 और m इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4। ये m1 था, ये m2 हम इसको बोल देते हैं जी। तो यहाँ पर देखें हमारे पास केस 1 अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमारा रूट्स जो हैं वो रियल हैं, इमेजिनरी में नहीं है, और डिस्टिंक्ट है यानी सेम भी नहीं है, डिफरेंट है। तो केस 1 वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है बाय द वे, आपको सिंपल फार्मूला लिख दें। y इज इक्वल टू क्या था, सी वन ई रेज टू पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई रेज टू पावर एम टू एक्स, ये फार्मूला था। अब वैल्यू पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू पावर एम वन क्या जीरो, तो जीरो एक्स जीरो हो जाएगा, और प्लस सी टू ई रेज टू पावर एम टू माइनस वन ओवर फोर एक्स। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, y इज इक्वल टू देखें e पावर जीरो हमारे पास 1 होता है, तो ये आ जाएगा सी वन प्लस सी टू ई रेज टू पावर माइनस वन ओवर फोर एक्स। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर।